आज हमारी जो है वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास है जिसमें हम क्रीमिया वार पढ़ रहे थे और इसमें वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नेपोलियन बोनापार्ट और जब नेपोलियन जब थर्ड आया तो उस पर उसने ही वो एम्पीरियलिज्म पर जो नेपोलियन बोनापार्ट की पॉलिसी थी उस पर काम किया और अपने बहुत सारे जो उसके एम्बिशंस थे उसके स्वार्थ थे तो उन चीज़ों को वापस से उसने उसको एक्सपांड किया जो नेपोलियन बोनापार्ट के नीतिगत थे। इधर थोड़ा सा आगे हम देखेंगे कि क्रीमिया युद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे मैं जो आपको मैप बताती हूँ जिसमें आपको क्या करना है। ये जो क्रीमिया वॉर था वो 1853 से 1855 तक चला, कम से कम 2 से 2.5 साल हुआ और काला सागर के आसपास ही युद्ध चला था क्योंकि काला सागर को ही अंडरटेक करने के लिए ये पॉलिसी बनी थी और जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया, तुर्की ये मैत्री राष्ट्र थे, फ्रेंच कंट्रीज थी और दूसरी तरफ जो है रशिया अकेला था। और क्रीमिया लड़ाई जो है बहुत ही स्टूपिड टाइप का वॉर कहा जाता है और ये इसका जो डिसीजन वो अनिर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है और ये स्लाववादी राष्ट्रीयता की भावना थी, मतलब विशेष करके जो रशिया में जो नेशनलिज्म जैसे आप मानते हैं ना कि हर राष्ट्र में एक राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए और हमने मैटरनिक के समय में फ्रांस में ये पढ़ा था कि मैटरनिक जो है प्रतिक्रियावादी था और बिल्कुल भी अनुदारवाद था, मतलब कि अनलिबरल था और वो राष्ट्रीयता की भावना को नहीं चाहता था कि उसके ऊपर उसके राष्ट्र में सुपर इम्पोज हो, क्योंकि उसने नेपोलियन का जो घिनौना कृत्य देखा था, उसने हर चीज़ की एक अति होती है, यदि ज़्यादा अति हो जाए तो वो उग राष्ट्रीयता कहलाती है। और हमने ये बात का जब डिस्कशन किया था कि कोई भी बात की जो अति होती है, अति सर्वत्र वर्ज्यते, हमारे भारत राष्ट्र की संस्कृति में कहा गया है, तो भले ही वो राष्ट्रीयता की क्यों ना अति तो अतिथि हो वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो उग्र राष्ट्रीयता की भावना से पूरा भरा हुआ नेपोलियन था और इधर मैटरनिक ने क्या किया, उसकी जो इस प्रकार की जो नेशनलिज्म की भावना थी और इसीलिए फ्रांस की क्रांति हुई थी और बहुत ज़्यादा नेपोलियन ने जो है अपने साम्राज्यवाद का विस्तार किया था और जो जितने भी कमज़ोर आसपास के क्षेत्र थे उनको अपने अंडरटेक किया था, तो इस भावना को लेकर के मैटरनिक बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि वो ऑस्ट्रिया का रहने वाला था और उसकी भी जो ज़मीन थी, लैंड थी, तो वो नेपोलियन ने उसको हड़प लिया था, तो इस भावना से लेकर के वो बहुत परेशान था। परंतु मैटरनिक को क्या करना था कि बहुत ही समतावादी और बहुत सम्यक दृष्टि रखनी चाहिए थी कि सब कुछ चले और सबके बीच में चले, बैलेंस रखे, या ही शुड बैलेंस द इक्विलिब्रियम बिटवीन द नेशनलिज्म एंड द लिबरलिज्म, तो इस प्रकार से सम्यक भावना की दृष्टि से वो कार्य करता तो अच्छा रहता, ऐसे हर राष्ट्र को होना चाहिए लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। तो रशिया में क्या हुआ था, ये मैं ऑस्ट्रिया के मैटरनिक की बात बता रही थी, लेकिन इधर रशिया में क्या हुआ था कि वो लोग भी बहुत इस भावना से घबराए हुए थे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि यूरोप के आसपास के लोग जो है हमारी राष्ट्रीयता को भंग करें, क्योंकि आपस में इधर से जो है रिफॉर्मेशन भी चल रहा था, आंदोलनवादियों का भी कार्य चल रहा था, किस तरह से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों के बीच में जो है डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्शंस चल रहे थे, तो राष्ट्रीयवाद की भावना हर राज्य में बहुत आवश्यक थी, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा हो जाती थी तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी और फिर ये आपस में जो है इनके हित टकराते थे और यही जो इसकी उपज जो है क्रीमिया वार हुआ था। तो मैं रशिया की बात कर रही हूँ कि स्लाविज्म क्या होता है, यह स्लाववादी राष्ट्रीयता क्या होती है, तो इस स्लाववादी राष्ट्रीयता जो है रशियंस जो थे उनका एक मोटो था कि वो 3 भागों में ट्रायड जिसको बोलते थे त्रिरत्न, उस बात में दे बिलीव इन 3 थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एज द ऑर्थोडॉक्सी, इट मीन्स टू से द ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च, फर्स्ट थिंग इज दिस, नाउ द सेकेंड विल बी ऑटोक्रेसी, अनकंडीशनल लॉयल्टी टू द हाउस ऑफ द रोमन इन रिटर्न फॉर द पैटर्नलिस्ट एंड फॉर ऑल सोशल एस्टेट्स, एंड थर्ड विल बी द नेशनलिटी, इन दैट द स्लोवोफिलिक मूवमेंट बिकेम पॉपुलर इन द 19th century एंड स्लोवोफाइल्स अपोज्ड इन्फ्लुएंसेस ऑफ वेस्टर्न यूरोप इन रशिया एंड वर डिटरमाइंड टू द प्रोटेक्ट रशियन कल्चर एंड ट्रेडिशन, होल सोल इसका मतलब ये है कि स्लाववादी राष्ट्रीयता से तात्पर्य जो स्लाववादी मतलब जो रशिया के अंतर्गत जो लोग थे वो
अपने संस्कृति और धर्म की रक्षा करने के लिए बाहर आसपास के यूरोपियन कंट्रीज का जो हस्तक्षेप है वो मतलब उससे जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे कि हमारे नस्ल की जो भले ही धार्मिक रूप से हो, चाहे राष्ट्रीय रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे कोई भी रूप से हो, तो हमारी स्वतंत्रता बनी रहे। और भले ही हम रूस की क्यों ना बात करें, हर राष्ट्र अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए तत्पर रहता। तो जो स्लाववादी राष्ट्रीयता की जो भावना इस तरह से थी वो रशिया के अंतर्गत थी। तो रशिया जो है ये भी चाहता था और हर कंट्री से ये चाहती थी। तो युद्ध का एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण था। कम टू द मैप, अब आप ये देख रहे हैं मैप पूरा, मैंने इसको जो है इसके नाम सारे हटा दिए हैं, है ना, क्योंकि हमने अपनी क्लास में जो है ये कई बार पढ़ा है, मैप की स्टडी भी करी है यूरोपियन मैप की, तो इसमें मैंने सारे नाम हटा दिए। वो आपके लिए एक होमवर्क है कि आप इसको अपना एटलास खोल के देखिए, क्योंकि मैं यदि आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगी तो आप लोग इस दिमाग से जो निकल जाएगा। और ये IAS और जो भी नेशनल लेवल की एग्ज़ाम्स रहती हैं उसमें ये मैप बहुत आता है, जिसमें आपको जगह फिल करनी पड़ती है कि एक्सप्लेन द जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ दिस कंट्रीज और दिस कंट्रीज, कहाँ पर है, ब्लैक सी किधर है, क्रीमिया के बारे में पढ़ रहे हैं लेकिन क्रीमिया ही नहीं मालूम है, है ना, रशिया नहीं मालूम है क्योंकि ये इसमें सब ये कंट्रीज इन्वॉल्व थी। तो ये आपको जो है घर के लिए मैंने होमवर्क दिया है, जब आप लोग इसको पढ़ेंगे, इसको भरेंगे और भरने के बाद में इसकी फ़ोटो खींच करके जो अपने सब्सिडरी का एक ग्रुप बना हुआ है या जो मेंस हिस्ट्री वालों का 6th semester के BA वालों का जो ग्रुप बना हुआ है उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे होमवर्क की तरह इसको भर करके भेजेंगे आप, राइट। इसके बाद ही आगे वाला लेक्चर लूँगी, ये जब तक ये होमवर्क नहीं आएगा तब तक अगला लेक्चर भी नहीं आएगा। आगे की स्लाइड में देखेंगे हम। इस क्रीमिया वार में फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया, टर्की ने एक तरफ युद्ध लड़ा था और रशिया दूसरी तरफ से था। ये हो गया था, इसके बाद में देखेंगे हम। क्रीमिया वार क्या हुआ था कि ये तो पता चल गया कि अकारण था और मूर्खतापूर्ण युद्ध था, और लेकिन फिर भी इसका महत्व होता है। हर सेमेस्टर में जो है क्रीमिया वार, ईस्टर्न फॉर ईस्टर्न क्वेश्चन के ऊपर जो है प्रश्न पूछा जाता है, तो इसीलिए हमको जो है ये राष्ट्रवाद पढ़ने के लिए काम आता है। और सारा ज्योग्राफिकल कंडीशन उस वक्त सिनारियो क्या था, लेकिन फिर भी लोग जो है इस क्रीमिया वार से बहुत आतंकित थे। और एक्चुअली इसमें जो है कुस्तुनतुनिया जो था वो अपना राज्य विस्तार करना चाहता था, और ये रूस इसलिए चाहता था कि कुस्तुनतुनिया पर मैं आक्रमण करूं और वो मैं अपने अंडरटेक कर लूं। इसलिए सभी राष्ट्र जो है अपने राज्य विस्तार की पूर्ति के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे थे। और इस युद्ध को पहला ऐसा इसीलिए युद्ध माना जाता है क्योंकि अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ये युद्ध लड़ा गया था। और इस ये जो है एक रिलीजियस तात्कालिक जो कारण बना था वो धार्मिक कारण बना था, क्योंकि फिलिस्तीन जो है ऑटोमन एम्पायर का एक पार्ट था जिसको पैलेस्टाइन कहते हैं, ये टर्की एम्पायर में था जिसको उस समय उस्मानी साम्राज्य भी कहा जाता था और ऑटोमन साम्राज्य भी कहा जाता था। तो टर्की जो था वो ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत था, लेकिन 1535 था उसमें टर्की का जो सुल्तान था तो उसने जो रोमन ईसाइयत थी तो उसके कैथेड्रल्स या चर्च की देखभाल के लिए फ्रांस के पादरियों को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी थी। और इसी प्रकार जो टर्क में इस प्रकार से कैथेड्रल थे तो उसका लुक आफ्टर या उसका संरक्षण जो है रूस के जार के संरक्षण में उसका देखभाल करना सौंप दिया था। तो इस तरह से अब इन सारे धर्म के जो बड़े बड़े बिशप्स थे तो उन लोगों ने कहा कि जिन राज्यों के कैथेड्रल या चर्च हैं तो उन्हीं राज्यों को संरक्षण दिया जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए सब आपस में जो है आशंकित होने लगे। और देखेंगे कि 1853 में इधर रूस की सेना ने डैन्यूब नदी को पार करके मॉल्डिविया, बोलेशिविया इस पर अधिकार कर लिया, और इंग्लैंड और फ्रांस की संयुक्त तो नेवल फोर्स जो है बास्फोरस पहुंच गई, है ना, काला सागर के पास, देखना बास्फोरस किधर है। किंतु अंग्रेजी और फ्रांसीसी जो दोनों थे उन्होंने साइनोप के निकट जो है नौसेना ने जो टर्की आया था उसके बेड़ों को नष्ट कर दिया। तो इस तरह से धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक ये कई कारण हुए थे
और इधर आप देखेंगे कि कुस्तुंतुनिया की रक्षा के लिए जो एक प्लेस था गैलियोपोली कहते हैं उसको फोर्टिफिकेशन करने के लिए आंग्लो फ्रेंच सेनाएं जो है काला सागर पर एकत्रित हो गई। और इस प्रकार रूस द्वारा टर्की पर आक्रमण की संभावना, क्योंकि रूस बहुत चाहता था कि तुर्की पर आक्रमण कर ले, है ना, तुर्की के पर आक्रमण करना चाहता था। इधर से ब्रिटेन डर गया, क्यों डर गया, क्योंकि जैसे ही रशिया यदि तुर्की पर आक्रमण कर देगा तो उसको भारत आना आसान हो जाएगा। क्यों, तो ब्रिटेन क्यों डर गया, क्योंकि भारत जो है उसका उपनिवेश था उस वक्त, तो उसको यूँ लगा कि रशिया तुर्की पर आक्रमण करेगा तो इधर से जो है ईस्ट में घुस करके टर्की का ये सारे रेगिस्तान पार करके वो झट से जो है भारत में आ जाएगा और भारत में जो है उसकी उसका व्यापार और उसका जो उपनिवेश था वो सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए ब्रिटेन जो है तुर्की पर मतलब ये नहीं चाह रहा था कि रशिया जो है तुर्की पर आक्रमण करे, और फ्रांस जो है ये चाहता था कि मैं जो है काला सागर पर अपना आधिपत्य जमा लूँ। इस तरह से पेरिस में एक संधि हो गई थी और काला सागर तट को जो है तटस्थ क्षेत्र घोषित कर दिया कि कोई भी किसी के भी जलबेड़े जो है काला सागर में नहीं घुसेंगे, और युद्ध पे युद्ध पोत जो है सबने बोला कि काला सागर से सब हटा लो। इस तरह से ये युद्ध हुआ। तो रशियन क्या नीति थी इस मतलब क्या युद्ध के कारण थे, अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।